हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर नाइन ऑफ क्लास ट्वेल्थ दैट इज स्ट्रैटर्जीज फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विद आर वीडियो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रैटर्जीज या फिर टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे जो फूड प्रोडक्शन है उसको इन्हांस यानी कि इंक्रीज करवाया जा सके तो इस चैप्टर के अंदर हम चार मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे और वो चार टॉपिक हैं पहला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कैसे एनिमल्स की केयर की जाती है उनको रेयर और ब्रीड करवाया जाता है दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग कि कैसे प्लांट्स को ब्रीड करवाया जाता है और कैसे कैसे अलग अलग वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग कॉम्बिनेशनस के थ्रू जो तीसरा टॉपिक है वो है सिंगल सेल प्रोटीन्स यानी कि फंजाई वगैरह के बारे में एल्गी के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ऐसी एल्गी या फनजाए जिसको हम खाने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके मास प्रोडक्शन से और जो लास्ट टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर कि कैसे हम किसी चीज़ के टिश्यूज को कल्चर करके उसके अंदर कोई चेंज या फिर कुछ नया प्रोडक्शन उसका करवा सकते हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं इवन विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन्हांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन इज़ ए मेजर नेसेसिटी तो जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो खाने का जो प्रोडक्शन है उसकी भी जो ज़रूरत है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए जो खाना है वो एक बेसिक नेसेसिटी है कोई भी इंडिविजुअल विदाउट खाने के सर्वाइव नहीं कर सकता है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड टू एनिमल हजबेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग हैव अ मेजर रोल इन आर एफर्ट टू इंक्रीज दी फूड प्रोडक्शन तो अलग अलग तरीके के जो प्रिंसिपल्स या फिर जो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया गया है एनिमल हजबेंड्री के अंदर यानी कि एनिमल्स को रेयर करवाने के अंदर और प्लांट को ब्रीड करवाने के अंदर ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एफर्ट हैं जो कि साइंटिस्ट या फिर ह्यूमन की तरफ से किए गए हैं खाने को प्रोड्यूस करवाने के लिए एनिमल हजबेंड्री के अंदर क्या यूज़ हो सकते हैं कौन कौन से टेक्निक यूज़ हो सकती हैं एग्ज़ाम्पल है अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनकी सेम स्पीशीज़ के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए ताकि जो नए जो जो यील्ड है मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ पाए एनिमल्स का वहीं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अलग अलग वेराइटीज़ के कॉम्बिनेशन से यानी हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक से जो ज़्यादा यील्ड वाली जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाए सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक आर गोइंग टू तो प्ले अ वाइटल रोल इन फर्दर एनहांसिंग द फूड प्रोडक्शन तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक्स जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक तो ये किसके अंदर हो सकती है एनिमल्स के अंदर वहीं जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है यानी कि अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ को कल्चर करवा के उनका प्रोडक्शन करवाना ये किसके अंदर यूज़ हो सकती है प्लांट्स के अंदर तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि और भी ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले कर रही हैं खाने के प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करवाने के लिए तो अब जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री हम उसके बारे में पढ़ते हैं द एनिमल हस्बेंड्री इज़ दी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक तो एनिमल हजबेंड्री एक इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके अंदर जो लाइव स्टॉक्स है यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको ब्रीड करवाया जाता है और उनको रेज किया जाता है उनकी केयर की जाती है एज़ सच इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इट इज़ अ मच साइंस एज़ इट इज़ आर्ट तो इसके लिए भी फार्मर्स को स्पेशल स्किल्स यानी कि कुछ जो मेन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है ऐसी स्किल्स का फार्मर को पता होना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर साइंस का भी यूज़ होता है और आर्ट का भी यानी कि उनके पास अपनी खुद की भी कुछ नॉर्मल अलग से टेक्निक्स होंगी ये ऐसे ट्रिक्स उन्हें पता होंगी और उसके साथ साथ साइंस का भी इसमें यूज़ किया जाता है दी एनिमल हजबेंड्री

इसके अंदर जो केयर की जाती है एनिमल्स की और उनको ब्रीड किया जाता है किस टाइप के एनिमल्स को जैसे कि बफेलोज़ को काउज़ को पिग्स को हॉर्सेस को कैटल्स को शिप को कैमल को गोट को और इसके अलावा भी ऐसा कोई भी जानवर जो कि हम इंसानों के लिए किसी भी तरीके से यूज़फुल है इसी टाइप के एनिमल्स को यहाँ रेस किया जाता है उनको ब्रीड करवाया जाता है और उनकी अच्छे तरीके से केयर की जाती है एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स द पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशेस जो एनिमल हस्बेंड्री है अब इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग यानी जो मुर्गी फार्म होते हैं उनका और जो फिशरीज हैं यानी जो फिशेस वगैरह हैं उनको भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही इंक्लूड किया जा चुका है फिशरीज़ इंक्लूड रेयरिंग कैचिंग सेलिंग एक्सेट्राज़ ऑफ फिशेस, मोलेस्स एंड क्रिस्टेश प्रॉन्स क्रैब एक्सेट्रा तो जब हम फिशरीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर उनका रेयर किया जाना उनको कैच करना और फिर उनको मार्केट के अंदर सेल करना ये सारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड की जाती हैं तो फिशरीज़ के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो है फ़िशेस का मोलेस्स का यानी जिसके अंदर जो शेल फिश आती है वो और जो क्रिस्टेशंस हैं यानी कि जो प्रॉन्स वग़ैरह हैं जो क्रैब वगैरह हैं उनको मार्केट के अंदर सेल किया जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं या फिर जो आ, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इनको खाते हैं सेंस टाइम एमोरियल एनिमल्स लाइक बीज सिल्क वाम प्रॉन क्रैब फिशेस बर्ड्स पिग्स कैटल शिप एंड कैमल्स हैज़ बीन यूज बाय द ह्यूमेंस फॉर द प्रोडक्ट लाइक मिल्क एग मीट वुल, सिल्क हनी एक्सेट्राज तो टाइम एमोरियल का मतलब है कि जब से हमें चीज़ें याद हैं या फिर जब से हमें चीज़ों का पता है कुछ एनिमल्स जैसे कि बीज सिल्क वॉम प्रॉन क्रैब जो फिशेस हैं बर्ड्स पिग्स या जो कैटल्स हैं श्रिप है या फिर कैमल हैं उनको ह्यूमन बींग यूज़ करता आ रहा है उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए तो इनसे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं इन एनिमल से जो कैटल्स हैं उनसे हमको मिल्क मिल सकता है जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ से हमें एग मिल सकते हैं जो प्रॉन वग़ैरह है क्रैब है उनसे हमें मीट मिल सकता है जो सिल्क वॉम है उससे वूल या फिर शिल जो हम सिल्क ले सकते हैं वहीं शिप से हम वूल ले सकते हैं और जो बीज हैं उनसे हम हनी ले सकते हैं तो यानी कि जितने भी ऐसे एनिमल्स जो कि ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल हैं हम उनको एनिमल हस्बेंड्री की कैटेगरी के अंदर रखते हैं जिसके अंदर हम इनको रेयर करवाते हैं इनको ब्रीड करवाते हैं और फिर इनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको सेल या फिर कंज्यूम भी करते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ़ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया एंड चाइना तो ये अनुमान लगाया हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जो टोटल लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है उसका जो सेवेंटी परसेंट हिस्सा है वो इंडिया और चाइना के अंदर मौजूद है हाव एवर इट इज टू बी नोट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू दर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज़ ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज़ प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो पर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड फार्म के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट है इसका मतलब ये है कि जितने भी लाइव स्टॉक से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम है हंस इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर न्यू टेक्नोलॉजीज़ आल्सो हैव टू बी अप्लाइड टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी तो इसीलिए जो नॉर्मल टेक्निक हैं जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ में आती आ रही हैं किसी भी एनिमल को ब्रीड या फिर उनकी केयर करने के लिए उनके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ या जो नई टेक्निक्स आ रही हैं हमें उनका भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि लाइव स्टॉक से जो प्रोडक्टिविटी है वो इनक्रीज़ हो सके और उसके साथ साथ जो उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो भी इंहानस करवाई जा सके। द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड द फार्म एनिमल्स तो कैसे हम अलग अलग फार्म्स को मैनेज करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स होंगे और कैसे हम उनको भी मैनेज करवा सकते हैं अ प्रोफेशनल अप्रोच टू वॉट हैज़ बीन ट्रेडिशनली प्रैक्टिस ऑफ़ फार्म मैनेजमेंट गिव दी मच नीडेड बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है यानी कि जो बहुत टाइम से जो चीज़ें चलती आ रही हैं किसी भी मैनेजमेंट की उनके साथ साथ अगर थोड़ी सी प्रोफेशनल अप्रोच भी वहाँ मिल जाए तो उससे ये जो फूड प्रोडक्शन है लाइफ स्टॉक से उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है लेटेस्ट डिस्कस सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड इन वेरियस एनिमल फार्म सिस्टम तो अब हम कुछ अलग अलग टाइप के जो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हैं जो कि अलग अलग एनिमल के फार्म के अंदर यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहला है डेयरी फार्म मैनेजमेंट कि जहाँ पे डेयरी डेयरी का जो काम होता है जो कैटल्स वगैरह को रियर किया जाता है वहाँ पे कैसा मैनेजमेंट हो सकता है उसके बारे में देखते हैं द डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन तो डेयरी में होता क्या है और ये डेयरिंग वर्ड का मतलब क्या है तो ये एक टाइप का मैनेजमेंट है एनिमल्स का किस चीज़ के लिए मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए ताकि उन प्रोडक्ट्स को जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कंज्यूम कर सकें या, या यूज़ कर सकें कैन यू लिस्ट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी तो कौन से टाइप के एनिमल्स हैं जो कि आपको डेयरी के अंदर मिल सकते हैं तो फॉर एग्जांपल है बफेलो है कैटल वगैरह हमको वहाँ मिल सकती है काओ वग़ैरह वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म तो जो प्रोडक्ट होगा डेरी से वो क्या होगा मिल्क होगा और इस मिल्क से हम कौन कौन से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनवा सकते हैं तो क्या क्या बन सकता है चीज़ बन सकता है पनीर बन सकता है और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद द प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज द यर्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क तो जब हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम किस चीज़ के साथ डील करेंगे अलग अलग प्रोसीजर्स या फिर अलग अलग सिस्टम जो कि यील्ड को बढ़ा सकते हो यील्ड का मतलब होता है पैदावार को बढ़ा सकते हो और उसके साथ साथ जो मिल्क की जो क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज करवाया जा सके यानी कि हम यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज करवाने के बारे में बात करते हैं द मिल्क यील्ड इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड्स इन द फार्म तो जो मिल्क यील्ड है वो बेसिकली डिपेंड करता है कौन से टाइप की ब्रीड है उस फार्म के अंदर यानी कि कौन से टाइप की नस्ल है उस एनिमल की उस फार्म के अंदर द सेलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैव द हाई यल्ड पोटेंशल अंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया कम्बाइंड विद द रेजिस्टेंस टू डिजीज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो कौन से टाइप की ब्रीड को सिलेक्ट किया जाएगा जिसके अंदर हाई य पोटेंशियल हो यानी कि ज़्यादा पैदावार की पोटेंशियल हो और उसकी क्लाइमेटिक एरिया यानि उस एरिया के अंदर किस टाइप का क्लाइमेट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल भी हो और इसके साथ साथ वो बीमारियों से भी रेजिस्टेंट हो यानी कि उसके अंदर बीमारियां भी कम हों तो इस टाइप की ब्रीड को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानी कि ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन किया जाए जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ यील्ड भी इसकी ज़्यादा हो और वो बीमारियों से भी रेजिस्टेंट हो तो इस टाइप की ब्रीड को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेयरी फार्मिंग के लिए फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैज़ टू बी वेल लुक आफ्टर एंड दे हैव टू बी हाउस वेल शुड हैव एडिकुएट वाटर एंड टू बी मेनटेन्ड डिजीज फ्री तो ज़्यादा यील्ड को इनक्रीज़ करवाने के लिए कैटल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानी कि वो जिस एरिया के अंदर जहाँ उनको रखा जा रहा है वो भी अच्छे से मैनेज हो उनको टाइम से पानी मिले और इसके अलावा उनको डिज़ीज़ फ्री रखा जाए यानी कि उनके अंदर कोई बीमारी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए द फीडिंग ऑफ द कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल एम्फिस ऑन द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ द फोडर और जो कैटल्स को फीड करने का जो तरीका है वो एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मैनर के अंदर होना चाहिए साइंटिफिक मैनर का मतलब है ख़ास ध्यान रखना चाहिए कैटल्स का जो खाना है जो उनका चारा है जिसको हम फोडर बोलते हैं उसकी क्वान्टिटी और क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बेसाइड स्ट्रेंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन बोथ ऑफ द कैटर एंड द हैंडलर आर ऑफ द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस वाइल मिल्किंग स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट और इन सारी चीज़ों के अलावा खास ध्यान साफ सफाई और जो हाइजीन है उसके ऊपर देना चाहिए चाहे वो हम कैटल की बात करें चाहे हम हैंडलर की बात करें हैंडलर का मतलब है वो इंसान जो इन सारी कैटल्स की देख रेख कर रहा है तो ये जो क्लिनलीनेस और जो हाइजीन है ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये मिल्किंग के टाइम पे उसके स्टोरेज के और उसके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे और इसके अलावा जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनके ट्रांसपोर्ट में भी इनका खास ध्यान रखना ज़रूरी है नावर कोर्स ऑफ कोर्स मच ऑफ दीज प्रोसेस हैज़ बीन मशीनाइज विच रिड्यूज द चांस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस विद दी हैंडलर और आजकल के टाइम पे जो जितना भी ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सारा मशीनों की हेल्प से होने लगा है जिनकी वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट है हैंडलर का उसके प्रोडक्ट्स के साथ वो नहीं हो पाता है और इसी की वजह से क्लीनलीनेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंश्योरिंग दीज स्ट्रेंजेंट मेजर्स वुड ऑफ़ कोर्स रिक्वायर रेगुलर इंस्पेक्शन विद द प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग और इन सारी चीज़ों का सख्ती से पालन करने के लिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों का टाइम टू तो टाइम इंस्पेक्शन किया जाए और उनके रिकॉर्ड्स को भी संभाल कर रखा जाए इट वुड ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स एज अर्ली एस पॉसिबल तो ऐसे ये इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड रखने की मदद से क्या होगा कि हम प्रॉब्लम्स को टाइम रहते ही पहचान पाएंगे और उसको ठीक भी कर पाएंगे अगर हमने उसके रिकॉर्ड्स ढंग से रखे तो रेगुलर विज़िट बाय ए वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी और जो वेटनरी डॉक्टर हैं यानी कि जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं उनकी रेगुलर विज़िट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यू वुड प्रॉबेबली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ़ यू वर्ट टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज ऑन डाइवर्स एक्सपैक्ट ऑफ द डेरी कीपिंग एंड देन फॉलो इट अप विद अ विजिट टू अ डेरी फार्म इन योर लोकेलिटी एंड सी का आंसर टू यशन तो आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप कुछ क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें और किसी डेयरी कीपिंग मैनेजमेंट के अंदर जाके वहाँ देखें कि कैसे क्या कुछ होता है और उनसे उन सारे क्वेश्चंस की आंसर लेने की कोशिश करें